नमस्कार, मैं रीता गुप्ता। आज आपको मैं माइग्रेन के कारण, लक्षण और उसके उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि मैं माइग्रेन के कारण लक्षण के बारे में बताऊंगी। माइग्रेन सबसे पहले आप जान लीजिए होता क्या है। माइग्रेन जब उठता है ये होता है अर्धकपारी, इसे अर्धकपारी भी कहा जाता है, आधे सिर का दर्द। माइग्रेन दाहिने तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है। सिर के किसी एक हिस्से में ये दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पूरे सिर तक फैल जाता है। ये 2 घंटे भी हो सकता है, 4 घंटे भी रह सकता है, 4 दिन तक भी रह सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो माइग्रेन में होता क्या है, जब हमारे मस्तिष्क के खून का बहाव जब तेज हो जाता है तो माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। अब माइग्रेन होता क्या है, माइग्रेन आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक होता है आपकी फैमिली में अगर किसी को है, आपके मम्मी पापा को या किसी को है, उससे आपको हो सकता है। और इसके अलावा ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ये ज्यादा देखने को मिलता है माइग्रेन, क्योंकि स्त्रियों में हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन्स जो है इसमें चेंजेस आते रहते हैं। मासिक धर्म की अनियमितता, गर्भावस्था के दौरान जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है। और मानसिक तनाव, टेंशन, ज्यादा परिश्रम करना, ज्यादा धूम्रपान करना, ज्यादा नशे का चीज करना, इसके वजह से भी होता है माइग्रेन। माइग्रेन की वजह से सिर में दर्द उठ जाता है। इसके अलावा हम अगर ज्यादा परिश्रम करते हैं, ज्यादा लैपटॉप पे, मोबाइल पे, ज्यादा टीवी देखते हैं जरूरत से ज्यादा, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द उठ सकता है। अब इसमें हमें करना क्या है, माइग्रेन में जब दर्द उठता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना है, ब्राह्मणी उर्दगीत, ये प्राणायाम आपको 3 से 5 मिनट तक करना है। अनुलोम विलोम करके मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस भरना है। सांस भर के अब दाहिने नाक से सांस को बाहर छोड़ना है, फिर दाएं नाक से सांस को लेना है, बाएं नाक से सांस को बाहर निकालना है। और ब्राह्मणी उर्दगीत ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, कान को बंद करके आंख को इस तरह से बिल्कुल हल्का टच करना है, एक उंगली माथे पर रख करके, और आपको सांस भरते हुए और भौरे की तरह आवाज निकालते हुए सांस को गले से बाहर छोड़ना है। और आपको थोड़ा देर ध्यान में जाना है, ध्यान करना है लगभग 5 मिनट तक, और अर्ध शीर्षासन करना है। ये 3 से 4 प्राणायाम अगर आप रोज करते हैं तो इसके निरंतर अभ्यास से आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है। इसके अलावा आप रात में बादाम, जो किशोरी बादाम, जो छोटा वाला बादाम होता है, उसे आप भिगो दीजिए, 5 बादाम और आधा अखरोट आप भिगो दीजिएगा पानी में, और सुबह उसको खाली पेट उसका छिलका निकाल करके, और उसको जो पत्थर वाला जो फल होता है उसमें आप उसको महीन बिल्कुल पूछ दीजिएगा। पूछने के बाद उसको जैसे मथनी होता है उसी तरह उसको आप मथ दीजिएगा, और मथने के बाद वो अपने आप दूध फेंकने लगेगा, दूध फेंकने लगेगा। तो जितना ही ज्यादा आप उसको मथेंगे उतना ही वो गुणकारी होगा। तो आयुर्वेद में एक मंत्र कहा जाता है, मर्दनेन सर्वगुणकारी, जितना आप मर्द उसको मथते जाएंगे उतना ही गुणकारी होता जाएगा। और 1 कप दूध उसे मिला करके और उसको आप खाली पेट लीजिए, लेकिन उसको लेने के 1.5 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको ये क्रिया करनी है। ऐसा करने से आप 3 से 5 दिनों में, नहीं ज्यादा से ज्यादा आपको इसका रिजल्ट 15 दिनों में मिल जाएगा, और आपका माइग्रेन धीरे 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 100% क्योर होता जाएगा। इसके अलावा आप डॉक्टर की सलाह से आप मेधावटी आप डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, जो कि आयुर्वेद दवाई की दुकान पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ज्यादा तकलीफ रहता है तो आप बिल्कुल रेस्ट ज्यादा लीजिए, अंधेरे कमरे में लेटिए जहाँ रोशनी और ध्वनि कम से कम जाए, क्योंकि रोशनी जितना ज्यादा मिलेगा आपको, ध्वनि जितना ही ज्यादा सुनाई देगा उतना ही आप इरिटेट होंगे। तो इससे आप बचिए और रेस्ट ज्यादा लीजिए। माइग्रेन की वजह से बिजली लगता है, हमें उल्टी लगने लगता है, ये सब प्रॉब्लम होती है, और ऐसा लगता है जैसे सिर के किसी एक हिस्से में टीस कर रहा है। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे भी माइग्रेन रह चुका है। माइग्रेन में आप आंवले का तेल लीजिए,
और जब आपके सिर में ज्यादा दर्द हो रहता है तो आप स्केल्प में लगा के इसको हल्का हल्का इस तरह से मसाज करिए, फिर इसको आप ये मसाज करिए। ऐसा करने से आपको बहुत राहत मिलेगा। पैर के तलवे में जब आप रात में सोने लगिए तो सरसों का तेल आप मलिए। इसको मलने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स फील होगा, और जब तक आप तनाव से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपका माइग्रेन दूर नहीं होगा। इसका इलाज कहीं भी नहीं है, ना आयुर्वेद में है, ना एलोपैथ में, कहीं भी इसका इलाज नहीं है। इसलिए आपको साथ में आयुर्वेद की दवाइयों के साथ साथ आपको, या घरेलू दवा जो मैंने बताया वो करने के साथ साथ आपको योगा भी करना पड़ेगा, तभी आप माइग्रेन से 100% निजात पा सकेंगे। तो दोस्तों, मैं यही चाहती हूँ कि मैं योग करती हूँ, मैं स्वस्थ रहती हूँ, निरोग रहती हूँ, उसी तरह आप भी स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।